ब्लैक होल्स के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो शायद वो सब कुछ गलत है। शायद सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी गलत प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के एक जीनियस मैथमेटिशियन डॉक्टर रॉयकर, जिन्होंने 1963 में खुद ब्लैक होल्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी, यानी वो पॉइंट जहां पर उसका सारा मास और ग्रेविटी केंद्रित होता है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस कॉन्सेप्ट में आइंस्टाइन बिलीव किया करते थे। अब इसका मतलब समझ रहे हो? Well, किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ही एक्चुअल ब्लैक होल होता है। उसी की इंटेंस ग्रेविटी के जरिए ही इवेंट होराइजन क्रिएट होता है और ब्लैक होल्स चीजों को अपने अंदर सक करते हैं। सो जब सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस भी एक झूठ है? और अगर चलो हाइपोथेटिकली हम ये मान भी लेते हैं कि हाँ ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस एक झूठ है, तो साल 2019 में नासा ने जो ब्लैक होल की ये इमेज पब्लिश की थी, फिर वो क्या थी? क्या ब्लैक होल्स अपने इवेंट होराइजन के साथ बिना सिंगुलैरिटी, यानी बिना किसी ग्रेविटी के स्रोत के एग्जिस्ट भी कर सकता है, या फिर सिंगुलैरिटी के बदले उनमें कुछ और चीज होती है जो उनके इंटेंस ग्रेविटी को जन्म दे रही है? और अगर हाँ तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है? Well, to find out, हमें सबसे पहले इस पूरे गुत्थी के एकदम जड़ तक जाना होगा, which is Einstein की general theory of relativity, जहां से black holes, singularity, wormholes, dark matter ये सारे concepts originate हुए। So I would highly suggest आप इस part को किसी भी हालत में skip नहीं करना, क्योंकि जिनको भी ऐसा लगता है कि वो gravity और space time fabric के बीच के relation को अच्छे से समझ चुके हैं, समझ लो 95% लोग गलत हैं। तो देखो अब तक ना हमें जिस तरह से ग्रेविटी को विजुलाइज कराया गया है, लाइक एक स्पेस टाइम है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रखने पर उस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से वो कर्व हो जाता है, ये विजुलाइजेशन ही सरासर गलत है। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि हम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेविटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए ये मॉडल स्पेस टाइम कर्वेचर का एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। असल में कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी आती है, ग्रेविटी के वजह से कर्वेचर नहीं क्रिएट होता। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। इमेजिन करो कि एक पानी से भरा बकेट है और उसके अंदर आप एक बॉल डालते हो। अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली वो बॉल पानी के अंदर जितनी जगह लेगा उतना ही पानी वो साइड में ढकेल देगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? यही सेम चीज स्पेस टाइम के साथ भी होती है। अगर इस बॉल को मैंने स्पेस टाइम में रखा तो वहां पर वो जितनी जगह लेगा उतना ही स्पेस टाइम वो अपने साइड में ढकेल देगा, और इससे उसके अगल बगल के स्पेस टाइम में कर्वेचर बनेगा, और साइंटिस्टों का कहना है इसी कर्वेचर से उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी पैदा होती है, क्योंकि उस मैसिव ग्रेविटी क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट के अराउंड दूसरे ऑब्जेक्ट्स कर्व्ड पैथ्स में ट्रैवल करने लगते हैं, और सारे कर्व्ड पैथ्स इवेंचुअली उस मैसिव ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब अट्रैक्ट आखिर कैसे होते हैं? वेल, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट, आप, मैं, एक बॉल, सभी एक स्टेट ऑफ फ्री फॉल में होते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को कर्व कर देता है तो हम स्ट्रेट फ्री फॉल से कर्व्ड फ्री फॉल में आ जाते हैं, और पाथ के कर्विनेस की वजह से हमारे फॉल का डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास की तरफ चला जाता है, जिससे अट्रैक्शन जैसा एक फील क्रिएट होता है, और इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम एक और एक इजी इंटरप्रिटेशन से भी समझ सकते हैं, जो है जनरल रिलेटिविटी का रिवर मॉडल। मे बी ये एनालॉजी आपको इजी लगे, या फिर पहले वाली आप आजमा लो। सो जनरल रिलेटिविटी का रिवर मॉडल कहता है कि हमारे स्पेस टाइम में जब एक कर्वेचर बनता है तब उस गड्ढे में चीजें इसीलिए नहीं गिरती क्योंकि वो चीजें उस गड्ढे में लुढ़क जाती है, वो इंस्टेड उस गड्ढे में इसीलिए गिरती है क्योंकि उसके नीचे मौजूद स्पेस टाइम उन ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ लेकर उसमें गिरने लगता है। बेसिकली जब भी स्पेस टाइम में कर्वेचर बनता है तब स्पेस टाइम किसी वाटरफॉल की तरह बिहेव करने लगता है, जो उस पर तैर रही चीजों को बहाकर कर्वेचर में गिराने लगता है। अब आपको भी ये पता होगा, इट्स प्रीटी मच अ कॉमन सेंस, हम किसी भी वाटरफॉल के एज की ओर बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे पानी का बहाव और तेज होने लगता है। सो ऐसे में अगर आप एक बोट में हो और आपको अपने आप को वॉटरफॉल में गिरने से बचाना है, तो जैसे जैसे आप एज के नजदीक पहुंचोगे आपको ऑपोजिट दिशा में बोट को उतने ही तेजी से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह इसमें कामयाब हो गए तो टेक्निकली आप मूव कर रहे होगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर भी आप पॉज्ड से नजर आओगे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। अब ब्लैक होल के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल वही पॉइंट होता है जहां पर बस एक छोटी सी गड़बड़ और खेल खत्म, क्योंकि यूजुअली
ब्लैक होल्स के कर्वेचर का जो एज होता है यानी उसका इवेंट होराइजन, वहां पर स्पेस टाइम के बहाव की स्पीड लाइट स्पीड तक पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ विच ब्रह्मांड की कोई भी चीज उसके विपरीत दिशा में नहीं जा सकती एक्सेप्ट जस्ट लाइट। सो अब समझे कि ब्लैक होल में सारी चीजें क्यों गिरती है। अब जानते हैं कि ये सब मैंने आपको क्यों बताया। वेल देखो, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी उसके एज तक यहाँ पर सब कुछ सेंस बनाता है, लेकिन आपको भी पता है ब्लैक होल को ब्लैक होल कहते ही इसीलिए क्योंकि उसमें से लाइट भी एस्केप करके नहीं जा सकती। अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम ये अज्यूम करें कि इवेंट होराइजन के पार स्पेस टाइम का बहाव लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाता है, और सिर्फ स्पेस टाइम का ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट या इवन लाइट रे ब्लैक होल के अंदर जाए वो लाइट स्पीड से वापस बाहर नहीं आ सकती। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। क्या कोई भी चीज इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? और ये जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का खुद का कहना है। सो ऑल इन ऑल, जिस एजम्पशन के बेसिस पर GTR बनी हुई है, ब्लैक होल्स के अंदर वही एजम्पशन ब्रेक हो जाता है। और ऐसे में ब्लैक होल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई कर लिया तो हमें वियर्ड रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, और उसी पॉइंट को सभी साइंटिस्टों ने नाम दिया सिंगुलैरिटी। बट इन साइंटिस्टों के इस ग्रुप में एक फिजिसिस्ट ऐसे थे जो सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनको इस कॉन्सेप्ट में ही एक मेजर फ्लॉ नजर आ रहा था। उनके अकॉर्डिंग ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट जिस एजम्पशन के बेसिस पर बना है कि सभी ब्लैक होल स्टेशनरी होते हैं, वो एजम्पशन ही सरासर गलत है। क्योंकि कोई ब्लैक होल कैसे बनता है? जब एक मैसिव सा स्टार फटता है तब, राइट? और फिजिक्स का एक काफी बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अनुसार कोई भी रोटेटिंग बॉडी तब तक रोटेट करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता या तो उससे कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं करता। अब इस लॉ के हिसाब से ब्लैक होल भी तो रोटेट करना चाहिए, और यही वो वजह है जिसने रॉय के मन में एक डाउट पैदा कर दिया, जिसके जड़ तक जाते जाते ही रियलाइज कि सिंगुलैरिटी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। देखो, हमें अब तक बताया गया है कि सिंगुलैरिटी तभी बनती है जब ब्लैक होल स्टेशनरी होता है और सिर्फ उसका इवेंट होराइजन घूमते रहता है, जिसके वजह से उसमें चीजें कुछ इस तरह से गिरती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जाने वाली सभी चीजें वहां पर एक ही पॉइंट पर गिर रही है, और इसीलिए उस पॉइंट पर ग्रेविटी का दबाव इन्फिनिट हो जाता है, एंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ विच इसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब यहां तक तो सब कुछ पानी की तरह क्लियर है कि कैसे स्टिल रहने वाले ब्लैक होल में सिंगुलैरिटीज बनती है। पर जैसे कि हमने जाना कि ब्लैक होल्स तो स्टेशनरी नहीं होते, वो तो रोटेट करते हैं, जिसके वजह से उसमें पॉइंट सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई ब्लैक होल घूम रहा है तो उसके घूमने की वजह से इवेंट होराइजन को पार करने वाली चीजें ऐसे उसके इर्द गिर्द गोल घूमते घूमते सेंटर की तरफ बढ़ेगी, यानी कि ब्लैक होल के अंधेरे से भरी गहराइयों में इन चीजों का मोशन मौत के कुएं में घूम रहे बाइक्स जैसे होगा। जैसे मौत के कुएं में तेजी से घूमने की वजह से बाइक्स नीचे गिरती है, वैसे ही यहां पर भी तेजी से घूमने की वजह से चीजें सीधे ब्लैक होल के अंदर किसी पॉइंट पर नहीं गिरेगी बल्कि बस रिंग के मोशन में घूमती ही चली जाएगी टिल इटर्निटी। दिस मींस कि सारा मास किसी सेंटर पॉइंट पर नहीं बल्कि एक रिंग के मोशन पर कॉन्सेंट्रेट होगा। इन शॉर्ट, कहने का मतलब यह है कि सिंगुलैरिटी एक पॉइंट के रूप में नहीं बल्कि एक रिंग के मोशन के रूप में एग्जिस्ट करती है। और इस आर्ग्यूमेंट से केर ने सिंपली ब्लैक होल्स घूमते हैं इस सिंपल फैक्ट के बेसिस पर आइंस्टाइन की थियरी को गलत साबित कर दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि केर के इस एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके हमने जितनी भी डिस्कवरीज की है उन सभी के कैलकुलेशंस यूजलेस साबित हो जाएंगे? वेल ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा GPS सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के फेमस टाइम डायलेशन प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। हमारे GPS सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर मंडराते रहते हैं, और उनके इतने दूर होने की वजह से उन पर पृथ्वी के सरफेस के मुकाबले ग्रेविटी का असर कम पड़ता है। अब ऐसे में उन GPS सैटेलाइट्स में जो क्लॉक्स लगे हुए हैं वो हमेशा पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों के कंपैरिजन में तेज चलते हैं, और उसी के सोल्यूशन में सभी GPS सैटेलाइट्स के क्लॉक्स की स्पीड कम की जाती है रिलेटिविटी के कैलकुलेशंस को यूज करके, ताकि वो पृथ्वी के टाइम से एग्जैक्ट मैच करे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम शाम को रास्ते पे निकलेंगे और हमें सुबह के ट्रैफिक का डेटा मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिटरली लास्ट मिनट तक एक्यूरेट होता है।
यानी कि इसका मतलब हमारी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के करंट अंडरस्टैंडिंग में अब भी काफी ज्यादा वजन है। सिर्फ आइंस्टाइन की थियरी जो चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी, जैसे सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है और बिग बैंग से पहले क्या था, यहीं पर वो थियरी अटकती थी। सो शायद ये नया रिंग वाला सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट बस ओरिजिनल जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक एडिशन है, एक अपग्रेडेशन है। कि अब तक रॉकेट लॉन्चिंग के लिए हम न्यूटन की ग्रेविटी इस्तेमाल कर रहे थे, फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग से दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हम आइंस्टाइन के GTR पर आए, और अब तक ब्लैक होल के अंदर की चीजें समझने के लिए जो थियरी मिसिंग थी उसकी जगह शायद ले ली है रॉय केर की इस थियरी ने। अब ग्रेविटी को लेकर जो समझना सिर्फ बाकी रह गया है वो है सिर्फ क्वांटम ग्रेविटी और उसके ट्रू नेचर को। वेल, वी डोंट नो व्हाट्स इनसाइड सिंगुलैरिटी। आफ्टर ऑल वहां पर मौजूद पार्टिकल्स क्वांटम इफेक्ट्स दिखाना शुरू करते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे सिंगुलैरिटी के अंदर। ऐसे में सिंगुलैरिटी को पूरी तरह से समझने के लिए एक ऐसी थियरी का होना जरूरी है जो क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी के इफेक्ट्स को भी समझ सके। लेकिन अब तक साइंटिफिक कम्युनिटी का ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम रहा है, जो है क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी, इन दोनों फंडामेंटल थियरीज को जोड़ सक पाना। अब आखिर क्यों क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसके एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस है और उन्हें ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में अपने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आपको एक काफी इनडेप्थ पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि साइंस कम्युनिटी में आखिर चल क्या रहा है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेल्फ लाइफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।